नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन की 86 पर। गवर्नमेंट सेक्टर की सभी एग्जाम के और उनसे रिलेटेड हर वो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट का वीडियो। जी हाँ, स्क्वायर रूट आपको मैंने लास्ट वीडियो में स्क्वायर निकालना बताया था, एक जिसकी लिंक आपको यहाँ आई कार्ड पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या है कि आपका इस स्क्वायर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो स्क्वायर रूट को भी निकालना आप जान जाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं एजुकेशन की 86 पे। और सबसे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और प्लस हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। और अगली इसकी बाद की वीडियो में डालूंगा वो होगा इम्परफेक्ट स्क्वायर की रूट की, ठीक है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक से लेकर, यानी कि एक से लेकर नौ तक और दस तक, एक से लेकर दस तक कि स्क्वायर पता होने चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जनरली हर किसी को पता होता है, ठीक है, कि एक का स्क्वायर क्या होता है, दो का क्या होता है, तीन का क्या होता है। पर स्क्वायर रूट निकालना और वो भी सिर्फ दो सेकेंड में, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना और वो भी सिर्फ दो सेकेंड में। आज देखिए, आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपके दूंगा या कराऊंगा यहाँ पे, वो होंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट के, ठीक है, जिसका परफेक्टली स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम पहला ये क्वेश्चन देखते हैं, रूट अंडर 576, ठीक है, 576 है। तो देखिए, उससे पहले हम लोग पहले ये यहाँ इस जो ये जो है रूट है इनको जान ले, स्क्वायर है जो उनके जान ले, कि हर किसी का स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, उसे ध्यान रखना होगा हमें। और उसका जो एक ट्रिक होगा मैं आपको बता दूं, कि उसका एक ट्रिक होगा जो कि 10 के सम होगा, ठीक है, 10 का सम होगा। जैसे कि मान लो इसका जो 1 का स्क्वायर है वो 1 है, ठीक है, यूनिट डिजिट, और जो 9 का स्क्वायर है यानी 81, उसका भी यूनिट डिजिट 1 है। तो यानी कि 1 और 9 को जोड़ेंगे हम तो आएगा हमारा 10, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसी तरह 2 का 4 है और 8 का भी 4 है, ठीक है, तो 2 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा आपका क्या आएगा, 10, 8 और 2 10, ठीक है, तो यहाँ 10। फिर उसी तरह 3 और 7 को जोड़ोगे, यानी देखो इसका भी यूनिट डिजिट 9 है और इसका भी यूनिट डिजिट 9 है, तो 3 और 7 को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 3 और 7 को ऐड करोगे तो आएगा 10, ठीक है। और सेम एज इट इज 4 और 6 की बात कर लो, बस बचेगा आपका 5, यानी जो ये 5 का स्क्वायर है वो उसके लास्ट डिजिट खुद ही 5 होता है, चाहे वो किसी भी संख्या का निकाल लो। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज मान लो 75 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर करते थे हम, 25 होता था, और इसके एक अगले वाले नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते थे तो 8×7=56, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता था, ठीक है। तो देखो इसका भी लास्ट डिजिट, इसका स्क्वायर निकला तो वो 5 ही निकला, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जो इसका लास्ट डिजिट निकलेगा 5 का वो 5 ही होगा, बाकी आपका 2 का 8 का सम 10 होगा, 1 का 9 का सम 10 होगा, और उनके यूनिट डिजिट सेम होंगे, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट अंडर 576 की बात करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप होगा वो क्या करेंगे कि हम बनाएंगे पेयर उनके लास्ट डिजिट का, ठीक है। तो इसका और इसका, ठीक है, 7 और 6 को हम बना देंगे एक पेयर, और उसके बाद जितने भी संख्या बचेगी, चलो ये तो छोटा संख्या है, 3 डिजिट का ही है, ठीक है, पर इसके बाद भी अगर संख्या जितना, उनको एक पेयर में हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ है सिर्फ आपके पास 5, ठीक है, तो ये 5 को हम एक पेयर बना लिया, ठीक है। चलो ये पहला स्टेप है। अब देखेंगे सेकेंड स्टेप में कि जो 6 है वो किन किन स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो देखो 6 है आपका 4 में और 6 है आपका 6 में, तो यहां देखो 4 और 6 का जो सम होगा वो 10 निकला है ना, तो यानी कि हम लोग सही हैं। तो यहां देखो, यहां एक लिख देंगे 4 और एक लिख दिया मैंने 6। अब ये देखो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ये तो कंफर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, पर अभी हम इसे कंफर्म नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे 5। अब 5 का क्या देखेंगे कि देखो इसका तो एक निकला 4 और एक निकला 6। अब जो है इसका तो निकल गया, अब जो 5 है अब क्या करेंगे इसका कि देखेंगे कि ये जो 5 है वो किन किन स्क्वायर के बीच में फॉलो कर रहा है। तो ये देखो 4 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है, यानी कि 2 और 3 का जो स्क्वायर होगा उसमें ये फॉलो करेगा, ठीक है, 2 या 3 का स्क्वायर। तो हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं उस छोटे अंक को जो इन दोनों में होगा, तो हमने लिया 2, ठीक है, हमने लिया 2 और प्लस। अब देखो इसका तो निकल के आ गया कि हम फाइनली कंफर्म है कि 2 होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा छोटे वाले को ही लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो अब यहाँ 4 होगा या 6 होगा ये कैसे पता करेंगे, तो जस्ट इस 2 के बाद वाले संख्या से इसका गुणा कर दो तो हो जाएगा 6। अब 6 से जो भी छोटा होगा, ठीक है, ये संख्या जो इसके ये वाला डिजिट है, ठीक है, अगर छोटा होगा तो छोटा लेंगे, और 6 से अगर मान लो यहाँ बड़ा होता तो हम बड़े वाले को लिखते, ठीक है। तो यहाँ जो 5 है वो 6 से है छोटा, तो लिख दिया हमने 4, क्योंकि मैंने छोटा वाले को लिया। मैंने क्या बोला कि अगर ये संख्या 6 से यानी कि इसके नेक्स्ट वाले टर्म से गुणा करने पे उससे छोटा है तो उसका छोटा वाला ही अंक लेंगे, या अगर बड़ा आता यहाँ पे, सपोज मान लो 7 होता तो हम यहाँ पे 6 ले लेते, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24, ठीक है, इसका 576 का रूट आएगा 24। समझ गए आप। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रूट अंडर 5184, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप क्या है कि इसका पेयर बना लेना, बना लिया आपने। अब देखो कि ये जो लास्ट डिजिट है किसका किसका है यूनिट डिजिट, तो 2 के स्क्वायर का है और 8 के स्क्वायर का है, ठीक है, 2 के स्क्वायर का है और 8 के स्क्वायर का है। तो या तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा इस स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, वो तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं कि ये जो पेयर बना फिर लास्ट में 51, ठीक है, ये देखो कि किस किस स्क्वायर के बीच ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है आई थिंक 49 और 64 के बीच में, यानी 7 और 8 के बीच में फॉलो कर रहा है, तो हम क्या लेंगे छोटे वाले, ठीक है, तो लिया 7। अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, तो 2 होगा या 8 होगा ये कैसे कंफर्म करते हैं, तो 2 या 8 होगा तो इसके जस्ट बाद वाले संख्या से इसको पहले गुणा कर दो, तो 8 7 56, ठीक है, 56 से 51 क्या है छोटा है, तो क्या लेंगे हम छोटा लेंगे, तो ये हो गया आंसर, ठीक है, यानी कि दिस इज योर आंसर 51 84 का ये जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो होगा 72। तो समझ में आया आपको, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लो, ठीक है, सपोज मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का, सपोज मान लो 10 से 24 है ना, ये इजीली बनेगा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, पर आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट से, ठीक है, उसको आप
देखो कैसे बनाते हैं। चार है, चार किसका किसका वो है पहले देख लेते हैं, यूनिट डिजिट है किस स्क्वायर का। तो ये हो गया दो का, यानी दो लिख दिया, और चार है आठ का, तो यानी कि आठ लिख दिया। ठीक है, दो और आठ का है तो दो और आठ लिख दिया। सिंपल सा पेयर एक खत्म हुआ। जो दूसरा पेयर है वो देखेंगे कि कौन कौन से स्क्वायर के बीच ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है दो और तीन का। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सॉरी, तीन और चार का। ठीक है, नौ से बड़ा है और 16 से छोटा है 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले डिजिट को लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 12। अब देखो 10 जो है 12 से है छोटा, तो हम लेंगे छोटा, यानी कि 32। 10 से 24 का स्क्वायर रूट निकलेगा 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा कितनी इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फोर डिजिट वाले स्क्वायर रूट की, ठीक है, फोर डिजिट की स्क्वायर रूट की बात करेंगे हम। तो यहाँ है क्वेश्चन अंडर रूट 8281। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग क्या करते थे कि थ्री डिजिट था तो दो का पेयर बनाते। अभी ये चार डिजिट का क्वेश्चन मैंने बनाया आपको 32 वाला। ठीक है, सेम एज इट इज का भी यही करना है। उसके बाद इन दोनों का पेयर बना लेंगे। इसके बाद मान लो पांच अंक का भी है, ये देखो पांच अंक वाला है क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसके बाद इन तीनों का पेयर बना लेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये माइंड में हमेशा रख दीजिएगा ताकि आंसर आपका गलत ना आए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 81 है लास्ट में, यानी कि 1 है, तो 1 का जो स्क्वायर है, 1 का यूनिट डिजिट किसका, कौन कौन से स्क्वायर का है, तो 1 का है और 9 का है। ठीक है, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इस स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम 82 पे आएंगे। अब 82 देखेंगे कि कौन से स्क्वायर के बीच फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है 9 और 10 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है 82, तो किसे लिखेंगे, छोटे वाले को लिखेंगे। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, लिखेंगे हमेशा छोटे वाले को, जो भी बड़ा होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नेक्स्ट डिजिट से, तो हो जाएगा 90। अब देखो 90 बड़ा है आपका 82 से ना बड़ा है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी 82 जो है 90 से छोटा है ना, तो छोटे अंक को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये हो गया आपका स्क्वायर रूट का आंसर, यानी कि ये इसका निकलेगा 91। ठीक है, इस योर आंसर, ठीक है, 8281 का, ठीक है, 8281 का स्क्वायर रूट निकलेगा 91। समझ में आ रहा है आपको? चलिए कमेंट कीजिएगा हमें अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। हमारे चैनल को अगर आप जो भी अभी जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एजुकेशन की 86 है हमारा चैनल का नाम, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर तरह की वीडियो आपको अपने चैनल पे देंगे जो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जीके हम पर डे का दे रहे हैं, आज 6 अप्रैल का भी जीके एक दिन के बाद तुरंत ही अपलोड कर देते हैं। तो जीके भी देखिए हमारे चैनल से, जो करंट अफेयर्स है वो देते हैं हम अभी, और एजुकेशन की पे अभी मैथ्स का क्लास चल रहा है, इसके बाद रीजनिंग के भी क्लासेस देंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं आज परफेक्ट स्क्वायर रूट की। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो में दूंगा मैथ से वो होगा इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे उसका भी मैं वीडियो बना के आपको डालूंगा इसके बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट का। तो ये आपने बना लिया, इसका 91 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 डिजिट का आया है क्वेश्चन। करना क्या है, सेम फॉलो करना है प्रोसीजर। ठीक है, और देखो 9 किसका यूनिट डिजिट है, कौन से स्क्वायर का है,
तो एक 3 का है और एक 7 का है, तो मैंने लिख दिया 3 या तो 7, 7 3 10 इनका सम आएगा, तो यानी कि समझ लेना कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है। ये दो मैंने बताया था आपको, पेयर बना लो, उसके बाद जितने भी अंक आए उनका एक पेयर बना लो। अब ये फॉलो कर रहा है 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, ठीक है। तो देखो अब ये फॉलो कर रहा है 10 से 11 के बीच में, क्योंकि 100 से ज्यादा है और 11 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे, कम वाले को लिखेंगे। जी हाँ, कम वाले को लिखेंगे। और उसके बाद अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि हाँ क्या आएगा। तो देखो इसके बाद क्या, मैंने एक स्टेप बताया था, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 110। 110 से 106 छोटा है, तो हम लेंगे छोटा वाला, ठीक है। यानी 103 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 10609 आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब देखो क्लियर हो गया ना आपको कि कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। आप क्या करो कि बहुत सारे क्वेश्चन उठाओ, एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन उठाओ कहीं से, ठीक है, और उसके परफेक्ट स्क्वायर रूट बना जाओ। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। ये अगर आपका टॉपिक क्लियर रहा तो समझो सिंप्लीफिकेशन से आप 10 नंबर कहीं नहीं छूट रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन का मैंने वीडियो दे ही दिया है आपको, स्क्वायर का वीडियो दे ही दिया है, और आज ये स्क्वायर रूट का ही वीडियो दे दिया है मैंने। कल एक और वीडियो दूंगा इस पे, वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का, ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट का होगा, तो वो वीडियो आप अच्छे से देखना। और ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करते रहना, ठीक है, ताकि आप को कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट से आ जाए। सिंपल फंडा है स्क्वायर रूट का, देखो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत इजीली समझ गए हैं आप लोग। पहला स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, यानी चार स्टेप में आपका स्क्वायर रूट सॉल्व, यानी कि दो सेकंड लगे आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए उन बच्चों को हमारा वीडियो जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या ऐसे लोगों को शेयर करें जो हमसे जुड़े, ताकि एजुकेशन लाइन से वो जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल एजुकेशन K86 को। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।